नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम संस्कृत संभाषण के अंतर्गत लेप प्रत्यय, तुम्हन प्रत्यय तथा कत्वा प्रत्यय का अध्ययन सामान्य रूप से कर चुके हैं। आज हम तीनों प्रत्ययों का एक साथ अभ्यास करेंगे। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं। जैसे वह, यह कार्य करके, वह ये कार्य करके बगीचे में जाएगा। ये वाक्य है, वह ये कार्य करके बगीचे में जाएगा। बगीचे में जाएगा, जाता है, जाना चाहिए जाता था, ये तो लकार परिवर्तित कर देंगे, लेकिन हमें देखना है मुख्य रूप से कि वह ये कार्य करके बगीचे में जाएगा। इसका हमें संस्कृत में वाक्य बनाना है। तो वह, ये पुल्लिंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों से। अब आगे है यह कार्य करके। यहां पर जो कार्य शब्द है यह नपुंसक लिंग है, इसलिए कार्य से पहले जो यह है ये भी हम नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ये किया है कि ये कार्य करके, तो यहां पर नपुंसक लिंग क्या लिखेंगे हम, इदम, और कार्य क्या है, एक वचन, तो कार्य स इदम कार्य, वह ये कार्य करके। करके में क्री धातु प्लस कत्वा प्रत्यय यूज करेंगे तो क्या क्रिया बनेगी हमारी, कृत्वा, तो यहां पर लिखेंगे कृत्वा। स इदं कार्यं कृत्वा, वह ये कार्य कर बगीचे में जाएगा। इसके विषय में भी हमने जाना था कि गम धातु के युग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, बगीचे में जाएगा। तो यहां पर साथियों हम क्या लिखेंगे, उद्यानम, द्वितीय विभक्ति, और जाएगा गमिष्यति। जाएगा के लिए क्या लिखेंगे, गमिष्यति। स इदं कार्यं कृत्वा उद्यानम गमिष्यति, वे ये कार्य करके बगीचे में जाएगा। ये वाक्य बना हमारा कत्वा प्रत्यय, इसका कत्वा प्रत्यय का वाक्य बन। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट, ये कर्ता चेंज करके दूसरे भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे तुम ये कार्य करके बगीचे में जाओगे, तो यहाँ पर से के स्थान पर हम लिखेंगे त्वम। से के स्थान पर क्या लिखेंगे, त्वम इदं कार्यं कृत्वा उद्यानं गमिष्यसि। त्वम इदं कार्यं कृत्वा उद्यानं गमिष्यसि, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष एकवचन है, तो मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गमिष्यसि। ठीक है, इसी प्रकार से वह ये कार्य करके बगीचे में जाएगी, तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, सा। सा इदं कार्यं कृत्वा उद्यानं गमिष्यति, वह ये कार्य करके बगीचे में जाएगी। एकवचन का यूज किया, अहम इदं कार्यं कृत्वा उद्यानं गमिष्यामि, मैं ये कार्य करके बगीचे में जाऊंगा। आवाम इदं कार्यं कृत्वा उद्यानं गमिष्यामि, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गमिष्यामि। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन क्या आ जाएगा, गमिष्यामि। वयम इदं कार्यं कृत्वा उद्यानं गमिष्यामि, हम ये कार्य करके बगीचे में जाएंगे। इसी प्रकार से युवाम इदं कार्यं कृत्वा उद्यानं गमिष्यति, तुम दोनों ये कार्य करके बगीचे में जाओगे। यूयम इदं कार्यं कृत्वा उद्यानं गमिष्यति, तुम सब ये कार्य करके बगीचे में जाओगे। इस प्रकार से मध्यम पुरुष के कर्ताओं का प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता का प्रयोग भी हम इसी प्रकार से करेंगे, जैसे स वह होता है तो तव, तव
वाक्य बनेगा हमारा जैसे ताउ इदम कार्यम कृत्वा उद्यानम गमिष्यते गमिष्यते तव इदम कार्य कृत्वा उद्यानम गमिष्यते। वे दोनों ये कार्य करके बगीचे में जाएंगे। तो यहां पर देखिए साथियों, यहां इदम कार्यम एक कार्य की प्रति बताया गया है। आप यहां पर दोनों दो कार्य भी कर सकते हैं और दो से अधिक कार्य भी कर सकते हैं। तो दो कार्य होंगे तो क्या लिखेंगे, तव इदम के बाद में क्या आएगा, इमे इमे, फिर कार्य कृत्वा उद्यानम गमिष्यते। इस प्रकार से भी हम यूज कर सकते हैं कि वे दोनों ये दो कार्य करके बगीचे में जाएंगे। और बहुवचन के लिए हम बहुवचन भी यूज कर सकते हैं कि ते इमानि कार्याणि कृत्वा उद्यानम गमिष्यन्ति। उद्यानम गमिष्यन्ति ते इमानि कार्याणि कृत्वा उद्यानम गमिष्यन्ति। ये सब कार्य करके बगीचे में जाएंगे। ये वाक्य हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। और यहां पर देखिए साथियों, ये पुलिंग पुलिंग एकवचन, पुलिंग द्विवचन, पुलिंग बहुवचन, ठीक है। एक कार्य का प्रयोग करना है एक वचन का, तो एक वचन में इदम कार्यम का यूज करें। मान लीजिए दो कार्य करने हैं तो इमे कार्य, दो से अधिक कार्य करने हैं तो इमानी कार्याणि, ये दो से अधिक के कार्यों के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है क्या, कि लकार से संबंधित, लकार से संबंधित यदि यहाँ पर हम कर्ता जैसा यूज करते हैं उसी के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे वह ये कार्य करके बगीचे में जाता है तो स इदम कार्यम कृत्वा उद्यानम गच्छत, यहाँ पर गच्छत का प्रयोग करेंगे। और वह ये कार्य करके बगीचे में जाता था तो स इदम कार्यम कृत्वा उद्यानम अगच्छत, बगीचे में जाता, उसे ये कार्य करके बगीचे में जाना चाहिए तो स इदम कार्यम कृत्वा उद्यानम गच्छेत, जाना चाहिए। वह ये कार्य करके बगीचे में जाए, स इदम कार्यम कृत्वा उद्यानम गच्छतु, ये लोक लगा बगीचे में जाए। इस प्रकार से हम यूज करते हैं कर्ता प्रत्यय का पांचों लकार में। अब नेक्स्ट देखिए दूसरी क्रिया, अभी तो हमने यूज किया है केवल कि क्री धातु कर्ता प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए हम मान लीजिए यूज करते हैं जैसे यहां पर लिख रहा हूं मैं धातु और यहां लिख दिया तुम, तुमन प्रत्यय, धाव प्लस तुमन प्रत्यय, तो ये शब्द बना हमारा धावितुम। धावितुम का मतलब हुआ दौड़ने के लिए, दौड़ने के लिए, दौड़ने के लिए। और इसी प्रकार से जैसे गम है, गम प्लस तुमुन, तो यहां पर शब्द बना हमारा गंतुम। गंतुम का मतलब जाने के लिए, गंतुम मतलब जाने के लिए, इस प्रकार से यूज करते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।